लोकसभा हाउसिंग समिति द्वारा राहुल गांधी को सरकारी आवास छोड़ने की नोटिस के मामले में अयोध्या के कांग्रेसी नेता ने अजीबोगरीब पहल की है। यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव शरद शुक्ला ने अपने घर पर एक नेम प्लेट लगवाया है। नेम प्लेट पर लिखा है मेरा घर राहुल गांधी का घर। इस पहल का क्या अर्थ निकाला जाए? क्या सरकारी आवास छोड़ने के बाद राहुल गांधी वाकई में बेघर हो जाएंगे? कांग्रेसी नेता शरद शुक्ला ने राहुल गांधी से अनुरोध किया है कि वह अयोध्या आए और जब तक चाहे वह उनके घर पर रह सकते हैं। अब ये कांग्रेसी कार्यकर्ता की अपने नेता के प्रति जुनून कहा जाए या फिर हास्यपद। फिलहाल कांग्रेसी नेता ने अपने घर पर राहुल गांधी की नेम प्लेट लगा दी है। देखिए, जिस तरीके से लगातार ये सरकार लोकतंत्र की हत्या पे जुटी हुई है, इसके विरुद्ध राहुल गांधी जी लगातार अपनी आवाज उठा रहे थे। हम सब ने देखा कि किस प्रकार इस देश के अंदर लूट खसोट जारी है, आम आदमी का पैसा किस तरीके से अडानी अंबानी के जेब में डाला जा रहा है। इसके विरुद्ध राहुल गांधी ने बहुत लड़ाई लगातार आवाज उठा रहे थे। उन्होंने सवाल किया कि 20,000 करोड़ रुपया वो जो तमाम कंपनियों ने लगाया है अडानी की कंपनियों में, वो कहाँ से आया है? 20,000 करोड़ किसके हैं? उन्हें आवाज उठाया कि नरेंद्र मोदी और अडानी का रिश्ता क्या है, किस लिए वो लगातार उसको बचाने के लिए लगे हुए हैं। इसी सब वजहों से, इसी से खुन्नस खाकर बीजेपी की सरकार ने पूरी मिलकर राहुल गांधी जी को षड्यंत्र के तहत उन पर कार्रवाई कराई। उनकी सदन से सदस्यता भी बर्खास्त हो गई। इसके बाद लगातार बदले की भावना से जिस प्रकार उनको आवास खाली कराने का नोटिस दिया गया है, मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि हम सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और एक आम आदमी होने के नाते, इस देश का नागरिक होने के नाते, मैं मानता हूं कि इस देश को बनाने में गांधी नेहरू परिवार और कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे त्याग बलिदान किए हैं। तो मेरा ये मानना है कि चूंकि राहुल गांधी जी के पास अब अपना कोई बंगला नहीं है, अपना कोई घर नहीं है, तो मैं अयोध्या में श्री रामचंद्र जी की पावन नगरी से मैं उनको प्रस्ताव देता हूं कि ये मेरा घर राहुल गांधी का घर है, वो जब आएँ, जब चाहें, जब तक चाहें वो इस आवास में रह सकते हैं।